अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। बंटवारा बेटियों का। नहीं चाहिए मुझे गवाही, कोई गवाही नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए कि तुमने अरसल के साथ मिलकर इस घर के खिलाफ साजिश क्यों की। मैंने कोई साजिश नहीं की है पापा। जब आप नहीं थे ना तो उसी ने संभाला है मुझे, और एक वो आपका भांजा है हारिस, 5 लाख रुपए लेकर चला गया। अरे जे तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे बाबा, पर बात सुन, अगर चाहती है ना कि तेरी बहन हाथ दिया जिंदा रहे तो इस फोन के बारे में किसी को कुछ ना बताना। ठीक है। फुप्पा, अगर मुझे फुप्पी का ख्याल नहीं होता ना तो मैं कब का ये घर छोड़कर जा चुकी होती, लेकिन अब आपने मेरे लिए कोई चॉइस नहीं छोड़ी है। अब तक तो मैं बर्दाश्त करती आई हूँ, लेकिन आप बार बार मेरे किरदार पर कीचड़ उछाल रहे हैं। तो अब वक्त आ गया है, फुप्पो को ही पता होना चाहिए कि आपका किरदार किस कदर घिनौना है। रानी, तुझसे एक बात करनी है। क्या बात करनी से? तू बेशक बच्ची को अपने पास रख, लेकिन उससे जो उसकी बहन का नंबर लेकर तू बात मत करना। क्या बात कर रहा है? मैंने तो उसकी बहन को फोन कर भी दिया। पर क्या पागल हो गई है क्या? पागल तो मैं हूं गुलजारे, इब तू देख मैं उसकी बहन के साथ कैसा खेल खेलती हूँ। भाई आग से खेल रही है तो आग से क्या बोला तूने उसको? तारा मसला ना है ये। मेरा मसला है, इस नंबर से तूने फोन किया है ना, इस नंबर से इस जगह का पता लग जाता है। तूने मारे को इतना कच्चा समझा है कि? अरे अपने नंबर से ना किया है, वो मंगतन के नंबर से फोन किया मैंने। अबे किसी के नंबर से फोन कर, पता तो यहीं का आएगा ना। तेरा गला क्यों खुश्क हो रहा? अरे इतना तो मुझे भी पता है, फोन मैंने मिलाकर बंद करके रख दिया है। बस बहुत हो गया, तू फोन नंबर मुझे दे। फोन तो मैं थारे को ना दे रही। मैं बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, अगर पुलिस पहुंची ना तो तेरी गलती वैसे पहुंचेगी, हम सब पकड़े जाएंगे। अरे थूकती हूँ मैं तारी बुज्जिनी पे। अरे इसकी बहन को मैंने बता दिया, समझा दिया है, और अगर वो चाहती है ना कि उसकी बहन उसे मिले, उसे प्यार करती है, तो इतना बड़ा रिस्क ना लेगी वो। जे उसने कुछ सोचा या कुछ किया तो हम तो इसे यहाँ ना मिलेंगे, और उसकी बहन भी ना मिलेगी सासों के साथ। साथ
बुलाया आपने? बहुत गड़बड़ हो गई। क्या हुआ उस्ताद? रानी ने हाजिया की बहन को फोन कर दिया है। अब बात पक्की पुलिस तक पहुंचेगी। हाजिया को लेके फौरन कहीं शिफ्ट करना है। नहीं उस्ताद, भला भाभी कभी ये करने देगी? और वैसे भी मुझे हादिया को लेकर जाना, वरना भाभी यहाँ आ जाएंगी। वे तो हम बुरी तरह फंस जाएंगे। उस्ताद तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? भाभी का दिल जिगर बड़ा है, वो डरती नहीं है। अबे तो क्या मैं डरता हूँ किसी से? उस्ताद जो कुछ हमने सोचा था अब वो सब कुछ भाभी कर रही है और आपको बता के कर रही है। अगर ना बताती तो हम क्या कर सकते थे? बस बस, अपने मशवरे अपने पास रख। जब मुसीबत आती है ना, किसी की जिंदगी लिए बगैर नहीं टलती। उस्ताद मुसीबत तो आ चुकी है और जरूरी नहीं है बात पुलिस तक जाए। अच्छा जा ठीक है, जहां पे तू जाता है ना, हाजिया को सिग्नल से दूर रखना। कोई भी मसला नजर आए तो मुझे फोन करना, मुझे, भाभी को नहीं, भाभी के चमचे। उस्ताद मैं तो तुम दोनों के भले का सोचता हूँ। चल जा, चल। हेलो अरसल बेटा, कैसे हो? अरसल बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने इस मुश्किल वक्त में मेरी और सबा की मदद की। खैर खैरियत से ज़ुबैर घर आ गए हैं। बेटा मैं एक बात कह रही थी, रात को खाने पर ज़रूर आना। अरे अरे ये तो तुम्हारी फरमा बरदारी है बेटा। नहीं नहीं मैं खाने पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, ज़रूर आना बेटा। अल्लाह हाफिज़। जमीना बेगम, मैं तुमसे कहता था ना कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। अंदर खलबली मची हुई है। मौसूफा फोन हाथ में लिए हुए उस लफंगे के फोन का इंतजार कर रहे हैं। जाहिर बात है, लमे लमे की रिपोर्ट देनी जो होती। बस अब बहुत हो गई जुबैर, अब मजीद नहीं। क्या मतलब बहुत हो गई? मैंने अरसल को घर पे बुलाया है ताकि तुम दोनों बैठकर अपनी गलतफहमियां दूर कर लो। क्या तुमने उसे यहां बुला लिया और मुझसे पूछे बगैर? जुबैर तुम कुछ भी कहो, अरसल बहुत अच्छा लड़का है। कम से कम तुम्हारे भांजे हारिस से तो लाख दर्जे अच्छा है। हारिस की तो बदनीयती तुम्हारे सामने आ गई है। तुम्हारी गैर मौजूदगी में उसे हमारी मदद करने के बजाय हमसे फ्रॉड करने की कोशिश की है। अरे तुम उसकी फिक्र छोड़ो भाई, वो तो मैं उसके हलक में हाथ डालकर पैसा निकलवा लूंगा। मेरा बच्चा है, घर का लड़का है, कहाँ भाग कर जाएगा? ये बात नहीं है जुबैर, तुम अपने दिल से शको शुबात निकाल दो। अरसल अच्छा लड़का और अच्छी फैमिली से है। वैसे समीना बेगम एक बात बताओ, कल रात से तुम्हें हुआ क्या है? तुम कहना क्या चाह रही हो भाई? जुबैर बजाय इसके कि हम मनफी ख्यालात को दिल में जगा दें, हमें पॉजिटिव वे में भी कुछ सोचना चाहिए। क्यों सोचना चाहिए भाई? अरे वो बहुत बड़ा गेमर है, उसने सबा को वरगलाया और मेरे जाने के बाद तुम्हें भी अपनी चिकनी चपड़ी बातों में घेर लिया। यही तो उसका गेम है। जुबैर तुम जानते हो कि मैं गलत अंदाजा नहीं लगाती। सरासर गलत अंदाजे लगा रही हो समीना बेगम। अब हमें किसी नतीजे पे पहुंच जाना चाहिए। हैं? किस नतीजे पे भाई, क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि जो हम हारिस और सबा के बारे में सोच रहे थे, अब हम अरसल और सबा के बारे में भी सोच सकते। अब वो घर पर आए ना तो प्यार मोहब्बत से बात करना, ज्यादा तल्ख होने की जरूरत नहीं है। आपको अब मेरी हर बात माननी पड़ेगी। क्या कहकर चली गई? यानी मैं दो चार दिन के लिए अगर घर से बाहर चला गया तो सारी दुनिया ही पलट गई। वाह, अरे खो कितनी बाढ़ का है कि जल्दी से काम पड़े जाया कर। 100 बार समझाया, समझना आया तेरे?
वो मैं उस्ताद के साथ था। फिर मैं तो आपके प्लान पे अमल कर रहा हूँ। सब्बास, क्या प्लान है, कुछ पता चला क्या? भाभी, उस्ताद खुद उस बच्ची के लेन देन का सोच रहा है। इसका मतलब है कि गुलजारे मारे से धोखेबाजी कर रहा है और मैं उसकी घड़वारी हूँ, पर मुझे ना बता रहा, दुनिया को बतिया रहा है। उस्ताद मुझ पे बहुत एतमाद करता है, हर बात बताता है मुझे। हाँ ठीक है ठीक है, देख लूंगी मैं, पर इस बच्ची का सौदा तो मैं खुद ही करूंगी। अभी तो बच्ची है ना, थोड़ी बड़ी होगी, टाइम लगेगा, तो इसके दाम खड़े करेंगे। मैं आपके साथ हूँ, बस मेरा ख्याल रखना, और मेरी किसी बात का उस्ताद को पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो मुझे काट के डाल देगा। अरे तू फिक्र ना कर, मारे होते हुए तुम्हारे पे कोई हाथ भी ना रख सके, ठीक है? चल आद्या, आद्या। सुन, आज तू काम पे जा और अच्छे से काम करना, जे तू अच्छा काम करेगी ना तो मैं खुश होके तारे को एक बहुत ही बढ़िया इनाम दूंगी, ठीक है? चल जा। ऐसा इनाम दूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। हेलो अर्सल, हाँ कुछ पता चला? हाँ वही लोकेशन है, बस मैं उसी लोकेशन की तरफ जा रहा हूँ, और नंबर भी वहीं की लोकेशन बता रहे, लेकिन नंबर बंद जा रहा है यार, और नंबर ऑन होने तक पुलिस को इतला देकर हम लोग लोकेशन का पता लगा लेंगे, तो फिक्र ना करो। अर्सल मुझे बहुत डर लग रहा है। सबा हौसले से काम लो, कॉल दोबारा जरूर आएगी। मैं उसी की कॉल का इंतजार कर रही हूँ। अगर तुम कहो तो पुलिस में रिपोर्ट करा दूँ क्या? नहीं अर्सल, अभी नहीं, दोबारा फोन आ जाए फिर रिपोर्ट करवा देंगे। ठीक है सबा, तुम्हारी पप्पो का फोन आया था, घर बुला रही थी मुझे। नहीं मुझे तो नहीं बताया उन्होंने। अब बताओ मुझे कि आना चाहिए तुम्हारे घर या नहीं। पता नहीं क्यों बुला रही है पप्पो, पप्पा ने तो वही बातें करनी है जो उनकी नेचर है। किस तरह की बात? अर्सल मैं अभी इस बारे में आपको कुछ नहीं बोल सकती, मेरा दिल इस वक्त हादिया की तरफ से बहुत परेशान है। सारा तो चलो खाला के पास है, लेकिन हादिया मीरपुर खास से यहाँ कैसे पहुंची कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। सबा मैं कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो प्लीज। थैंक यू अर्सल, अगर आप आना चाहते तो आ जाएं, लेकिन किसी बात का तस्करा मत कीजिएगा प्लीज यहाँ पर। सारा, सारा बेटा पानी लेकर आओ। सारा कहाँ रह गई बेटा? ये लड़की भी ना। सारा 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 बेटा, सारा 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 सारा, अगर ज्यादा ही जरूरत है मिलने की तो तुम मिल के आ जाओ, सारा को घर में छोड़ दो मेरे पास। अरे भाई तुम तो जाओ, वरना तुम मुझे रो रो के ताने दोगी कि बेटे ने मुझे मिलने के लिए बुलाया और बाप ने मुझे जाने नहीं दिया। जाओ तुम जाओ, तुम मैं काम करना, बाद में इसको मिलवा के ले आना। सारा
हाँ कर लो, आराम कर लो, उतार लो अपनी आशिकी का बुखार। पप्पा आपको इस तरह से मेरे रूम में आने की जरूरत नहीं है। तो कैसे आना चाहिए? पासपोर्ट पे वीजा लगवा कर आना है क्या? बोलो बोलो। वैसे भाई क्या सीना जोरी है। पहले तो मैं दाद दूंगा, इस बात की दाद दूंगा कि तुम्हारे और तुम्हारे उस लंगूर ने क्या मिलकर खेल खेला है मेरे ही घर में, मेरे ही खिलाफ और मेरी बीवी के खिलाफ, और हम बेगैरत बन के देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देख रहे हैं। फुप्पा आप भी कान खोल कर सारी बात सुन लें। मैंने अभी तक फुप्पी को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन अब बताऊंगी, एक एक बात बताऊंगी। अच्छा बताओगी? मैं बुला लेता हूँ समीना। समीना वैसे एक बात बताओ, तुम आखिर क्या बातें बताओगी मेरे खिलाफ? इल्जाम ही लगाओगी ना, तो इल्जाम तो मेरी बीवी नहीं सुनेगी भाई, मेरे खिलाफ क्यों सुनेगी वो? बोलो। उन्हें मानना पड़ेगा। वैसे तुमने और वो जो उसने उसने जो जो कान भरे हैं ना समीना के मेरे खिलाफ, मैं एक बात कर दूंगा ना पूरी चाल उलट जाएगी। पापा आप जाएं यहां से। हाँ चला जाऊंगा, जाने में क्या है, उधर जाना तो है ही भाई, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अगर मेरे खिलाफ समीना से एक भी बात की ना तो मेरे पास दो दो कहानियां हैं, दो दो कहानियां, पूरा महल्ला मुझे जानता है मैं कितना शरीफ हूं। पहली कहानी सुनो, पहली कहानी ये है कि तुम इस घर में आई, तुम चालाक लड़की थी, तुमने देखा कि बुड्ढा और बुड्ढी घर पे अकेले हैं, बुड्ढी को दिल की तकलीफ है, वो किसी भी वक्त मर खप सकती है, तुमने कहा बुड्ढे को फांसो, बुड्ढा शरीफ आदमी था वो फंसा नहीं, तुम्हारा ख्याल ये था कि जब बुड्ढी मर जाएगी तो मैं इस घर पर कब्जा कर लूंगी, वो हो नहीं सका। दूसरी कहानी वहां स्टार्ट होती है कि जब बुड्ढा फंसा नहीं तो तुमने अरसल को घेर लिया, जब अरसल को घेर लिया तो तुम दोनों ने मिलकर एक साजिश की, तुमने मिलकर साजिश की अरसल को, बल्कि तुमने इस्तेमाल किया उस बेचारे को भी इस्तेमाल किया, और चीख चीख कर मेरे खिलाफ बातें की, मुझे जेल भिजवा दिया। अब बोलो, जब ये बात अरसल को पता चलेगी और महल्ले को पता चलेगी तो खुद बताओ कि बद से बदनाम बुरा होता है, अरसल भी तुम्हारे खिलाफ क्या करेगा इसका तुम्हें अंदाजा ही नहीं है, दुनिया भर में तुम बदनाम हो जाओगी, कहीं निकल नहीं सकोगी, मुंह छुपा छुपा के घूमोगी तुम, मुंह छुपा छुपा के, ख्याल रखना बोलना नहीं कुछ, बल्कि महल्ला तो ये कहेगा कि भाई ये शख्स तो वो था जुबैर जो अपने शरीफ और नफ्स भांजे से शादी कराकर तुम्हें तुम्हें खुशी से रुखसत करना चाहता था, लेकिन तुम नहीं मानी क्योंकि तुम्हारे प्लान कुछ और था, तुमने और अरसल ने आधे घंटे पहले पुलिस को बुलवाया, जुबैर जैसे शरीफ आदमी को जेल भिजवा दिया, और उसके ऊपर वहां क्या जुल्म हुआ वो मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने भुगता। सही कह रहे हैं आप, वही भांजा जो फ्रॉड करके फुप्पी से 5 लाख रुपए लेके गया था और डिटाई देखो फिर दोबारा पैसे मांगने आया था। वो भी तुम्हारी गलत फहमी है, वो बेचारा तो मेरे लिए कोशिश कर रहा था भाई, अब नहीं हो सका वो एक और बात है, खाता वाता वो नहीं है, मेरा भांजा है। तुम्हारी ख्वाहिशात और साजिशों का पता थोड़ी था उसे। प्लीज फुप्पा मुझे आपसे कोई मुकाबला नहीं करना, आप यहां से चले जाएं, मुझे फुप्पी को आवाज देनी पड़ेगी वरना। जा रहा हूं, पर याद रखना अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला ना मेरी दो स्टोरीज तुझे उठा के फेंक देंगी बाहर। जाए सारा कहाँ है? अरे कमरे में होगी अंदर। मैं सब जगह देख चुकी हूँ लेकिन सारा कहीं पर नहीं है, मुझे सच सच बताओ कि सारा को कहाँ पर छोड़ कर आए हो तुम? क्या बोल रही हो तुम समया? अरे यार मेरी तो अपनी तबीयत ठीक नहीं है और तुम इस हालत में मुझे छोड़ के चली गई थी, पूरे एक दिन बाद आई हो। मैं तो सारा को बुलाता रहा लेकिन वो नहीं आई मेरे पास। कुछ परेशान हाल है मेरा इस घर में कोई नहीं है ना, अब मैं खुद गया हूं
मैं मार्केट गया हूँ डॉक्टर के पास, उसको दिखा के आ रहा हूँ सीधा। तुम अंदर देखो, अंदर होगी। जफर झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, खुदा के वास्ते मेरी बच्ची को ले आओ। अरे क्या हो गया है तुम्हें? मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। अरे मुझे क्या पता था कि मेरे पीछे ऐसा हो जाएगा, मैं तो यही चाह रही थी कि वो मेरे साथ चले। देखो कोई ना कोई तो सोच होगी ना, अंदर उसके ध्यान में कुछ चल रहा होगा ना, इसलिए तो छोड़ के गई है वो। तुम देख तो लो अंदर। क्यों जाएगी वो इधर से? यार मुझे क्या मालूम क्यों जाएगी, वो कहाँ जाएगी, उसी से पूछो जाके। ठीक है, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं अभी अजहर को कॉल करती हूँ और हम लोग जाके थाने में तुम्हारे खिलाफ अखबार की रिपोर्ट करवाएंगे। क्या क्या कहा तुमने? तुम मेरे खिलाफ रिपोर्ट करवाओगी? हाँ करवाऊंगी, क्योंकि तुमने सारी हदें पार कर ली है सफर। तुम्हें शायद पता नहीं है इतने साल मेरे साथ रही कि मैं क्या कर सकता हूँ। बस कर दो सफर, जुल्म की इंतहा मत करो। नहीं करो। समझ रही है तुम? मैं तुझे इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा? छोड़ दो सफर, छोड़ो। सारी जिंदगी मेरे साथ रही है लेकिन ये अंदाजा नहीं कर सकी कि मैं क्या करूंगा और क्या कर सकता हूँ। इस घर में तुझे कौन बचाएगा? कोई बचाने वाला मौजूद नहीं है इस घर में। अब यहीं पे तू भूखी प्यासी मरेगी, कोई तुझे बचाने वाला नहीं होगा। देखता हूं मैं तुझे, मर जाएगी, कोई नहीं बचाएगा तुझे। मुझसे बहस मेरे खिलाफ? सारा मेरी बच्ची, या अल्लाह सारा को अपने मन में रखना मेरे मौला। आज साहब, आज जी बैठे। जी जी तो बैठो साहब। आगा जब ही आते हैं। जी जी खालू, आप मुझे कहाँ ले आए हैं? अरे डरो नहीं सारा, अरे ये बड़ी खास जगह है, ये मेरे मुर्शद का घर है। बस वो उनसे जरा मिल लें, हाजिरी लगा दें अपनी, तो फिर चलते हैं। खालू मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, आप मुझे खाला के पास लेकर चलें। अरे सब्र करो जरा, बस जरा हाजिरी लगा दें उनके पास, फिर चलते हैं। Ha ha.
सारा बेटे जूस पियो। अरे बेटा जल्दी जल्दी पियो, देखो मैंने अपना गिलास खत्म कर लिया। पियो बेटा। अरे पियो जल्दी पियो बेटा। फरमाबरदारी का पहला उसूल है। जी जी बहुत शुक्रिया आका जी। इसे बताकर तो लाए हो ना? जी जी सब पता है इसे आका जी, जैसा आप बोलेंगे ये वैसा ही करेगी और जैसा आप हुक्म करेंगे ये वैसे ही रहेगी। खालू अभी तुम्हें कुछ दिन आगा जी की खिदमत में रहना है। नहीं खालू मैं यहाँ नहीं रह सकती, अब मुझे वापस लेके चले। तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? क्या बोल रही है ये? नहीं नहीं आगा जी कुछ नहीं, पहली बार घर से आई है ना तो उसका दिल घबरा रहा है। सारा मेरा तुमसे वादा है मैं कल तक तुम्हें आकर यहाँ से ले जाऊंगा। हाँ हाँ नहीं खालू मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, आप मुझे वापस लेके चलें। समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? चिल्लाओ मत, ये भी बच्ची है। खालू मैं अभी जाऊंगी, मुझे यहाँ बहुत घबराहट हो रही है। बोलो मत, ये आगा का घर है, या अपनी मर्जी से तो आता है आदमी, चाहता आगा की मर्जी से। आगा जी मेरे लायक और हुकुम? तुमने अपना वादा पूरा कर दिया, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। अच्छा आगा जी फिर मैं चलता हूँ। मुझे खाला के पास जाने, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। खाला आपी अरसल बेटा, तुम्हारा ये एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकती। तुमने मुझे बेटा एक बहुत बड़ी मुश्किल से निकाला है। रंडी ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, ठीक है? मैं आपके अपने बेटे जैसा हूँ। बेटा ये तो तुम्हारी सादत मंदी है, मैं खाना लगाती हूँ,
जरा जुबैर गए हुए हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, हो सकता है वो दवाई लेने गए हों। जब तक जुबैर आ रहे हैं मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। अरसल अच्छा हुआ आप आ गए, मैं बहुत परेशान हो रही थी। सबा तुम ऐसे परेशान हो रही रोगी तो कैसे काम चलेगा? और हाँ मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिली है, कुछ पता चला है मुझे। आहिस्ता बोलो अरसल, घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा ये बताओ कि पता क्या चला है?